आपको ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के। ये गया अपना ड्रोन ऊपर। वसुधारा वाटरफॉल के बारे में यही कहा जाता है कि जिसने अपनी लाइफ में पाप नहीं किए होते हैं तो ये पानी उसके ऊपर गिरता है। जो पापी इंसान होता है ये पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है, और पानी जिसके ऊपर गिरता है वो बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाला होता है। गिर गया भाई, पानी गिर गया, वसुधारा का जल मेरे ऊपर गिर चुका है। उधर की तरफ है वसुधारा फॉल्स। वसुधारा फॉल्स स्वागत है एक नए सफर में। मैं पहुंच चुका हूं माना, भारत का पहला गांव, और आज का जो प्लान है वो है वसुधारा फॉल्स तक का ट्रैक करना। माना गांव भारत तिब्बत बॉर्डर के पास, भारत का पहला गांव जो बद्रीनाथ धाम से महज 2 किलोमीटर दूर है। माना गांव महाभारत के इतिहास की आखिरी कड़ी है, क्योंकि महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद पांडव अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग की ओर इसी गांव से होकर गए थे। माना गांव वो गांव है जहां आखिरी बार सरस्वती नदी को देखा जा सकता है, क्योंकि एक श्राप की वजह से सरस्वती नदी माना गांव के बाद अदृश्य रूप में बहती है। माना गांव में ही आपको ऋषि वेदव्यास की गुफा व्यास गुफा दिखाई देती है, जहां वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, और पास ही में है गणेश गुफा। मान्यता है कि जब इसी जगह गणेश जी वेद लिख रहे थे तब पास में बह रही सरस्वती नदी काफी तेज बहाव और शोर करते हुए बह रही थी। सरस्वती नदी के शोर के कारण गणेश जी को वेद लिखने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी से विनती की थोड़ा शोर कम करें, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर गणेश जी ने सरस्वती जी को श्राप दिया कि माना से आगे तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगी, और तभी से सरस्वती नदी माना गांव से आगे अदृश्य रूप में बहती है। माना गांव से होकर ही पांडव स्वर्गारोहिणी मार्ग पर गए। उस मार्ग को जोड़ने के लिए सरस्वती नदी के ऊपर है भीम पुल। कहा जाता है पांडवों ने सरस्वती नदी से आग्रह किया कि उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता दें, लेकिन सरस्वती जी ने पांडवों की बात नहीं मानी, और तब भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर सरस्वती नदी के बीच में रख दिया, और तभी से माना गांव को स्वर्गारोहिणी मार्ग से जोड़ने वाले इस पुल को भीम पुल कहा जाता है। तो माना गांव को क्रॉस करने के बाद गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, सब जगह होते हुए अब हम आ गए हैं स्वर्गारोहिणी मार्ग पर, जहां से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, और हम लोग जा रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल, जो यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। चलिए, वसुधारा को जाते वक्त एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पर आपकी पूरी ट्रेल बनी हुई है, तो अब धीरे धीरे आप ऐसे चढ़ाई करते हुए ऊपर की तरफ को जाएंगे। ओह, पूरे पहाड़ हर जगह खाली पड़े हुए हैं बिना बर्फ के। नीति वैली में भी वैसी हाल, घमशाली मलारी, कहीं कहीं बर्फ नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो सामने के पहाड़ बिना बर्फ के। तो माना गांव से अभी तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। अब देखो, आप वैसे तो ये ज़्यादा मतलब लंबा ट्रैक नहीं है, 5 किलोमीटर बोला जाता है, लेकिन क्या है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी माना में एल्टीट्यूड में होते हो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा एल्टीट्यूड और गेन करते हो, तो यहाँ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, पहुँच जाएंगे। रास्ता आपको ऐसा ही मिलने वाला है। तो बस अब पहुंचने वाले हैं वसुधारा वाटरफॉल, वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जो पानी ऊपर से गिर रहा है पहाड़ों से, वो है वसुधारा वाटरफॉल। थोड़ा सा चलना और है, थोड़ा तो नहीं यार, ज़्यादा ही है लेकिन चलो।
और अब कुछ ही दूर बचा है, लेकिन अभी अच्छी खासी चढ़ाई है ये। ये देख लो, बस इसको पार करते ही हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे वसुधारा झरना में। और ये नज़ारा देखो आप इस पूरी घाटी के, क्या बात है। और ये अब मैं पहुंच चुका हूं वसुधारा फॉल में। हालांकि अभी पानी बहुत कम है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये नज़ारा आप देखो सामने की पर्वत श्रृंखला, जो उस पर सूरज पड़ रहा है ना, उस पर्वत श्रृंखला का जो तेज है वो कितना सुंदर नज़र आ रहा है। तो चलते हैं पास में और देखते हैं कितने भाग्यशाली और किस्मत वाले हैं हम, या कितने पापी हैं। अगर पानी नहीं गिरा तो पापी, और पानी गिर गया तो भाग्यशाली और किस्मत वाले। आओ चलो भाई, आओ थोड़ा पास जाते हैं और देखते हैं अपने सर पे गिरता है पानी या नहीं। पाप तो नहीं किया हमने कहीं, तो पानी तो ऐसे जाने लग गया। ओह माय गॉड, देख लो आप, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं लाइफ में, तो इसलिए ये पानी मेरे सर में गिरने के बजाय उधर को जा रहा है। क्या करूं, पानी नहीं गिर रहा भाई। नहीं, शायद मैंने नहीं, लेकिन और लोगों ने किए होंगे इसलिए हो रहा है। गिर गया भाई, पानी गिर गया, वसुधारा का जल मेरे ऊपर गिर चुका है और मैं पापी तो नहीं हूँ अब, ये तो मैं कह सकता हूँ। और किस्मत वाला और भाग्यशाली भी, देख लो, जब मैं यहाँ आया था उस टाइम पे पानी यहाँ को जा रहा था, लेकिन अब पानी बिल्कुल मेरे सर पे गिर रहा है। ये हुई ना बात, क्या बात है। ये देखो अब आया ना, अब आप देखोगे, क्योंकि अब मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे लग रहा है हम में से कोई ना कोई पापी आया होगा इसलिए पानी नहीं गिरा है। ठीक है, आप देखो, मैं जब यहाँ आया हूँ तो पानी बिल्कुल मेरे ऊपर गिरने के लिए रेडी है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये जो पानी गिर रहा है उधर की तरफ को चले जाए, आपके ऊपर नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब मान के चलिए आपने अपनी लाइफ में पाप किए हैं। लेकिन अगर आप इस जगह खड़े हैं और पानी सीधे आने लग जाए और आपके सर पे गिरने लग जाए, तो इसका मतलब आपने पाप नहीं किए हैं। तो देख लो, जब वहाँ पर थे तो थोड़ा कम पानी था, लेकिन अभी तो यहाँ पर भी खड़े हैं तो यहाँ पर भी पानी गिर रहा है। तो वसुधारा वाटरफॉल के बारे में यही कहा जाता है कि जिसने अपनी लाइफ में पाप नहीं किए होते हैं तो ये पानी उसके ऊपर गिरता है। जो पापी इंसान होता है ये पानी उसके ऊपर नहीं गिरता है, और पानी जिसके ऊपर गिरता है वो बहुत भाग्यशाली और किस्मत वाला होता है। तो अब आपको ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ के, और उस जगह ले जाता हूँ जहाँ से वसुधारा का पानी आता है। चलिए, ये ओपन हुआ मेरा DJI Air 3 और मेरे ऊपर यार पानी बहुत गिर रहा है, सो इसका मतलब मैंने काम अच्छे किए लाइफ में, या कर रहा हूँ, तभी तो गिर रहे हैं। चलो भाई, ये गया अपना ड्रोन ऊपर।
तो ये था वसुधारा झरने तक का ट्रैक। और अगर आप बद्रीनाथ माना में हैं या अगले साल आने वाले हैं तो वसुधारा ज़रूर आएँ और अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं कि आप कितने भाग्यशाली हैं या आपने लाइफ में कितने पाप किए हैं, सब यहीं पता चल जाएगा।